हेलो दोस्तों, कुकिंग विद स्वर्णलता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खट्टा मीठा पोहा नमकीन, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा और इसे बनाना बेहद आसान है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इसे आप कई दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पोहा लिया है। ये पोहा तलने के काम आता है, इस तरह का आप पोहा लें। 100 ग्राम मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं और यहाँ मैंने 200 ग्राम मक्के के पोहा लिया है। ये काफ़ी अच्छे लगते हैं नमकीन में। यहाँ 100 ग्राम मैंने साबूदाना लिया जो तलने के काम आता है। 100 ग्राम मैंने भुने हुए चने लिए, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। यहाँ मैंने तेल को अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं इसे हम चेक भी कर लेते हैं। इसमें मैं पोहा का एक टुकड़ा डाल के देखती हूँ। यदि ये ऊपर अच्छे से आ गया तो तेल हमारा अच्छे से गर्म है और इसकी फ्लेम आप फुल रखें। थोड़ा थोड़ा पोहा डालते हुए इसे अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे और इसे अच्छे से निकाल लेंगे। इस तरह से आप इसे टिश्यू पेपर पर निकालें जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पोहा डालते हुए इसी तरह से हमें तलना है। देखिए अच्छे से तल के तैयार हो गया है, इसे भी निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सारे पोहा को तल के तैयार कर लिए हैं। पोहा तलने के बाद तेल का कलर इस तरह से हो जाता है। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। मैं इसमें मूंगफली को डीप फ्राई करूंगी। मूंगफली के दाने हम इसमें डाल देंगे और इसकी फ्लेम को मीडियम रखेंगे, नहीं तो मूंगफली के दाने जल जाएंगे। इस तरह से आप चलाते हुए मूंगफली के दाने को सेक लें। मूंगफली के दाने अच्छे से सेक के तैयार हो गए, इसे हम बड़े झारे में निकाल लेंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाएगा और इसे हम अलग टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब हम साबूदाने को सेकेंगे। साबूदाना आप थोड़ा थोड़ा करके ही सेकें और इसकी फ्लेम को आप बढ़ा दें। इस तरह चलाते हुए साबूदाना सेकेंगे तो अच्छे से फूल जाते हैं और देखिए अच्छे से फूल गए हैं ये। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह सारे साबूदाने मैंने सेक के तैयार कर लिए हैं। उसी तेल में हम मक्के के पोहे को तलेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप सेकें इस तरह से तो अच्छे से सेक जाते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे आप टिश्यू पेपर पर निकालें जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाएगा। और देखिए मैंने सारे मक्के के पोहे तल लिए हैं। नमकीन के लिए हमने सारी सामग्री को तल के तैयार कर लिया है। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अच्छा गर्म हो गया है ऑयल, तो हम इसमें हींग को डाल देंगे। हींग डालने के बाद इसमें हम 2 हरी मिर्च जो मैंने बीच से कट करके रखी थी इसे भी डाल देते हैं। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ ली है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर मोटा कुटा हुआ धनिया लिया है और कुछ कड़ी पत्ते। आप कड़ी पत्ते ज़्यादा डालें जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और नमकीन देखने में भी अच्छी लगती है। 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है और इसे आप अच्छे से मिला लें। और यहाँ पर हम गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे। तड़का हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया। इसमें सारी सामग्री जो हमने तल के तैयार रखी थी उसको ऐड कर देते हैं। एक एक करके आप सारी सामग्री को इस तरह से ऐड कर दें। हमने ये नमकीन बहुत कम सामग्री में बनाया। यदि आपके पास कोई सामग्री ना हो तो इसमें ना डालें। इस तरह से आप नमकीन बना सकते हैं। यदि आप इसमें चाहें तो नमकीन सेब भी ऐड कर सकते हैं। सारी सामग्री को आप हल्के हाथों से अच्छे से मिला लें। इसे जब तक मिलाना जब तक इसमें सारे मसाले अच्छे से मिल ना जाए। देखिए कितने अच्छे से सारे मसाले इसमें मिल गए हैं और एक अच्छा सा कलर भी आ गया है। 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ काला नमक लिया है। सफ़ेद नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ काली मिर्च पाउडर लिया है। यहाँ हम खट्टा मीठा नमकीन बना रहे हैं, इसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच शक्कर और 1/2 छोटा चम्मच टाटरी ली है। इसको मैंने साथ में पीस लिया है, ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। मैंने 1.5 चम्मच डाला हुआ है। आप इसे साथ में अच्छे से मिला लें जिससे कि सारे नमकीन में इसका स्वाद अच्छे से आ जाए। खट्टा मीठा फ्लेवर लाने के लिए हमने यहाँ पर शक्कर और टाटरी का यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और यदि आप इसे तीखा बनाना चाहते हैं इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमारा नमकीन बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है। देखिए हमारा खट्टा मीठा नमकीन बनके तैयार हो गया है। इसे आप एयर टाइट डिब्बे में महीनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। जब भी आप चाय बनाएं उसके साथ इसे ज़रूर सर्व करें। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और बनाना तो बेहद ही आसान है। आपके यहाँ किस तरह से नमकीन बनाया जाता है मेरे साथ कमेंट के द्वारा ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें।